ओके बात खत्म सिविक्स आदा ज्योग्राफी की बात है क्लाइमेट चलिए सीख पे क्लाइमेट थोड़ा रिकॉल करवाओ थे रिलीफ ओके वेरी गुड थैंक यू रिलीफ नहीं कब क्या कैसे बोल क्यों देखा ऐसे कब देखा कब देखा कहां देखा चलो चलिए आगे चलते रिलीफ रिलीफ इज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर थ्रू विच इंडिया क्लाइमेट है For example, when we are looking towards ASDA, can you give me a roll number, first girl? 47 road, stand up. 47, yes. What do we call to it? Western Ghats. Another term used for a Western Ghats is a? sit down. Sit down, both of you. So when monsoons, when monsoons are arriving in India, monsoons reaching in India, ज विंड एज अ साउथ वेस्ट मॉन्सून विंड कैसे आती है वो बाद में करेंगे मैकेजमें करेंगे मॉनसूनिज कैसे होते हैं ठीक है ना मॉनसूनिंग इन इंडिया अब ये साउथ वेस्ट कैसे क्योंकि इनको डायरेक्शन बताऊंगी डायरेक्शन बना हुई हो गया मेक इट द डायरेक्शन

Other parts of the world, clear. Other parts of the that particular country or a place. For example, Bombay has located on a coast of India, western coast of India. So, Bombay is eastward when we are moving the 160 kilometers. Pune city. Pune is also in a Maharashtra. 160 kilometers. Pune has receiving the less than 50 centimeters annual rainfall. Bombay receiving as a 200 centimeters annual rainfall. This is due to the western Guards.

फिरोजपुर मोगा मानसा बठिंडा इन एरिया में रेन कम रिकॉर्ड की जाती है, रीजन इस नियर है ना रिलीफ इज अंपॉर्टेंट इंडिकेटर फैक्टर विच एसिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया क्लियर जब विंड ब्लो करती है ऑन देअर पार्ट आर ब्लोइंग एनी ऑफ ऑब्सन

इसी कारण आते ठीक है ना एनी अदर क्वेश्चन हाँ हाँ जी पे टेंशन युग सेड इन विंड्स का अरावलीस में क्या या क्या ये टकराती है अरावलीस पैरेलल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है दैट्स व्हाई द राजस्थान रिसीविंग द द लोअॉल अगर अरावलीस की सिचुएशंस नॉर्थ ईस्ट होती तब ये विंड सीधा अरावली से स्ट्राइक करती है और रेन करती है वो पैरल है साउथ वेस्ट मॉनसून के इस कारण राजस्थान में ट्वेंटी सेंटीमीटर से लेस रेनफॉल रिकॉर्ड होती है यही कारण पैरल है, है। कहा हाँ मोहसेन राम में अब ज्यादा रेन क्यों कर दिया आपने आपको वहां पर भी कम रेन करनी चाहिए थी so, साउथ वेस्ट मॉनसून रीचिंग इन इंडिया दे आर ब्रांचेस अरेबियन सी ब्रांच इसको अरेबियन सी कहते हैं जो इंडिया के वेस्टर्न कोस्टल ऑफ में रेन करेगी सच ब्रांच ऑफ अ बे ऑफ बेंगाल रेनफॉल इन इट कॉज अल इन पंजाब द रीजन हिमालय आर एक्सटेंडेड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ट्वेंटी फोर हंड्रेड किलोमीटर लॉन्ग एम ए कोस ए टीम एम एक्ट हिमालयास आर ए ट्वेंटी फोर हंड्रेड किलोमीटर्स माउंटेन रेंज विच हेज मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ यस। सही है गलत है फिर सही कीजिए अगर गलत है तो फिर सही आप ही करेंगे आपको पता है ना गलत है हिमालयास आर मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ट्वेंटी फोर हंड्रेड किलोमीटर्स लॉन्ग माउंटेन रेंज जस्की सिंह करेक्टेड। वन प्लस एट योर एटीन रोल नंबर वन प्लस एट नाइन डो नंबर। नाइन डो लंबर कुछ नाइन एपसेंट एटीन प्लस नाइन आंसर नॉर्थ टू ये कह रहे हैं हिमालयास नॉर्थ से ईस्ट तक हैं चलिए नेक्स्ट करते हैं सेवन माइनस आंसर हिमालय एक्सटेंडेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ किलोमीटर था ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट ट्वेंटी फोर हंड्रेड किलोमीटर्स हिमालय मोर ब्रॉडर इन साइड फोर हंड्रेड किलोमीटर्स एंड अ लेसर ब्रॉडर इन ईस्टर्न साइड वन फिफ्टी किलोमीटर्स विद ठीक है ना हिमालयास आर ऑबिंग द साउथ वेस्ट मॉनसून कहा हमने इंडिया का क्लाइमेट मॉनसूनल है अगर ये विंड हिमालयास नहीं होते हिमालयास इन दिस कंडीशन देर आर ईस्टर्न हिल्स आर देयर ईस्टर्न हिल्स ईस्टर्न हिल्स इन म्यांमार नोन एज अ क्या कहते हैं पूर्वांचल हिल्स पटकाई बूम, नागा हिल्स मीजो हिल्स यहाँ पे है म्यांमार ठीक है अब जब बे ऑफ बेंगाल बें बे ऑफ बंगाल ब्रांच अराइविंग इन ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ मैं बात पूरी कर लू पहले फिर आप बोल या आप बोलो मैं बाद में बोल लेता हूँ डबल बोलेंगे तो फिर भी रीचिंग इन ईस्टर्न स्टेट अब्सट्रक्टेड बाय द हिमालय इन ईस्टर्न साइड बाय द पूर्वाचल हिल्स कमल का पूर्वाचल हिल्स अब ये क्या करेंगी डेविज स्टार्ट टर्न इन लेफ्ट हैंड साइड। टर्न कर जाती है लेफ्ट हैंड साइड में जब ये टर्न करती है सडनली यहाँ पर तीन एक माउंटेन पीक्स हैं। इन मेघालय रोल नंबर सेवन प्लस फाइव थर्टी टू यस मेघालया में तीन माउंटेन हिल्स हैं। क्या नाम है उनका ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था मैप में आया था नो प्रॉब्लम आप नाइन्थ में ही है सेवंथ में तो नहीं हो बताया क्या कहा वेरी गुड गारो खासी जयंती द गारो हिल्स आर इन मेघालय जब ये विंड्स लेफ्ट हैंड साइड टर्न करती हैं साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ अ मॉनसून टर्न इन अ लेफ्ट हैंड साइड

वो क्यों चली जाएंगी पाकिस्तान ठीक है ना क्योंकि एक ब्रांच अरेबियन सी ब्रांच अरेबियन सी ब्रांच अरेबियन सी ब्रांच इधर से आ रही है इधर से बे ऑफ बंगाल दोनों कोलाइड करती हैं पंजाब में ठीक है ना इससे रेन होती है जो अरेबियन सी ब्रांच है उसका मॉइस्चर इवेपोरेट हो जाता है थार डेजर्ट की एग्जिस्टेंस के कारण जो अरावली के पैरल हैं दीस विंड्स इनका जो मॉइस्चर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है दीस विंड्स बिकम्स एज अ ड्राई विंड्स इसी कारण पंजाब के साउथ वेस्टर्न पार्ट्स में फिरोजपुर अबोहर फाजिलका में लो रेनफॉल रिकॉर्ड की जाती है, है वो भी पंजाब का ही पार्ट पंजाब रिसीविंग एनुअल रेनफॉल एज उसके अगर देखा जाए ईस्टर्न ऑफ पंजाब रिसीविंग एज जाएंगन ट्वेंटी सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल अगर आप वेस्टर्न साइड्स में चले जाओ पंजाब के तरनतारण चले जाओ अमृतसर चले जाओ या फिर या साउथ वेस्ट में चले जाओ उन एरियाज में 50 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल रिकॉर्ड की जाती है जी जलंधर सेंटर में है पंजाब के जलंधर लुधियाना एडिया सेंटर अगर आप जलंधर को होशियारपुर से कंपेयर करोगे आपको वेरिएशन मिल जाएगी जलंधर रिसीविंग द लो रेनफॉल कंपेरिटिवली होशियारपुर दीज एन रिलीफ माउंटेनियस स्ट्रक्चर हाँ जी क्योंकि तो वो लैंड लॉक्ड एरिया है अमृतसर के साथ लैंड एरिया ज्यादा लगता है वो भी फ्लैट सरफेस है इस कारण वहां एक्सट्रीम वेदर मिलेगा आपको विंटर्स में टू कोल्ड होगा और समर्स में टू हॉट होगा ठीक है एनी अदर किसको नहीं लू लोकल विंड है. है पंजाब में भी ब्लो करती है पंजाब हरियाणा और राजस्थान में जून के मंथ में जो ड्राई विंड ब्लो करती हैं उनको लू कहा जाता है या किसने कोई इंटरप्शन की थी हाँ जी आई डोंट नो बहुत डिफरेंट स्टेट्स का आई डोंट सॉरी ठीक है एनी अदर किसी ने कुछ कहा था अभी इंटरप्शन की थी जब योग कुछ पूछ रहा था नहीं हिमाचल में एक्सेस में होती है हिमाचल में पंजाब के होगी माउंटेनियस एरिया ठीक है और इसी आपने देखा होगा हिमाचल में रेनी सीजन मानसून में लैंडस्लाइड्स बहुत होते हैं लैंडस्लाइड्स जब माता चिंतपुनी का रास्ता रोक दिया जाता है

हाँ जी इन एरियाज़ में एक्सेसिव रेन होती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बहुत होती है हाँ जी. जी राइस साल में तीन बार पॉसिबल है असम में आप पंजाब में एक बार राइस की प्रोडक्शन करते हो क्योंकि यहां पर वाटर एडिक्वेट नहीं है हमारे पास सप्लाई नहीं है और दूसरी कंडीशन यहां विंटर्स जब आ जाता है डीज आर नॉट फेवरेबल फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ राइस राइस रिक्वायर्ड एज हॉट एंड ह्यूमिड वेदर ड्यू टू दीज विंड्स टेम्परेचर रिमेन्स एज अर थ्रू आउट दर क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यही पढ़ा आपने मिजोरम मेघालय क्लियर और सेकंड थिंग दीस विंडीविंग एज अ ट्वेंटी रेनफॉल हाई टेम्परेचर मोर मॉइस्चर फेवरेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ अर राइस वेस्ट बंगाल और असम में साल में तीन बार राइस की प्रोडक्शन हो सकती है तमिलनाडु में दो बार हो सकती है पंजाब में एक बार ही हो सकती है रीजन रेनी सीजन जब रेनी सीजन आता है उस टाइम सपोर्टिव रहता है एग्रीकल्चर के लिए हॉट एंड ह्यूमिड ड्राई कोल्ड ड्राई कंडीशन फेवरेबल फॉर द वीक हाँ जी अब बुड मध्य प्रदेश सेंट्रल पार्ट है वहां कुछ भी नहीं होगा कम रेन रेन होगी ठीक है चलिए क्योंकि वो विंड अब वो कंडेंस हो गए तो वो क्लाउड वहीं थो ना रहेंगे दे विल बी एज अथ विंडस एनी अदर जसरीन एनी अदर किसी का कोई क्वेश्चन क्लाउड बर्स्ट इन्होंने कहा क्लाउड बर्स्ट जब मॉनसून आते हैं जून के मंथ में सडनली ना एक वायलेंट सी नॉइस आती है जब बादल गरजती हैं। द टर्म यूज फॉर दैट एज द मॉनसून बर्स्ट नो मानसून बर्स्ट जैसे एक्सप्लोजन हो रहे होते हैं वैसे मानसून आते हैं इसका वेल well, बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया कालिदास ने अपने नॉवल में नेम ऑफ अ बुक बुक रिटर्न बाय द टू फेमस बुक्स वन एज द अभिजन शकुंतलम सेकेंड बुक यस ऑनलाइन आंसर आंसर हाँ? Nobody? Make dutum. Make dutum एक नॉवल लिखा है कालिदास ने उसके अंदर उन्होंने मानसून को वेल डिस्क्राइब किया कि मानसून कैसे इंडिया में रेन करते हैं ठीक है ना उसकी स्पेशलिटीज लिखा है टिल देर एनी क्वेश्चन एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में अभी रिलीफ बताया सबरवाल जी अरविंद सबरवाल वेरी गुड थैंक यू when rain has caused due to the relief structures is known as it is a which type of rainfall when rain has caused due to the existence of the mountains is known as dash no options are there online very good Jayati given correct answer स्टैंड मॉनसून ही वेरी गुड मॉनसून यस रिदिका सिंगला मॉनसून और रेनफॉल ओके वेरी गुड रिलीव रेनफॉल स्टैंड अप टाइप ऑफ रेनफॉल पहले हमने फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन देखी ये टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन यस क्वेश्चन इज अ ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द माउंटेन्स व्हेन रेन हैज रिकॉर्डेड दिस इज नोन एज डैश जयती ने करेक्ट आंसर दियाट रिलीव वर्ड ठीक नहीं है इसके लिए कोई और ना nah. वेरी गुड आदित्य धीमान ओरोग्राफिक ओरोग्राफिक रिलीफ का नाम है रिलीफ यहां ठीक नहीं ओरोग्राफिक यू कैन नोट इट डाउन दिस ये जरूरी है सेट सेट डाउन डाउन तीन टाइप्स की रेनफॉल होती है एक कन्वेक्शनल होती है एक साइक्लोनिक होती है तीसरी ओरोग्राफिक होती है साइक्लोनिक ड्यू टू एज साइक्लोनिक कंडीशन हाई प्रेशर टू ए लो प्रेशर वेन डिवेलपर सार्स रोटेटिंग साइक्लोनिक ओरोग्राफिक, ओरोग्राफिक, o r o g r a p h i c क्लियर आ देते दिमाग थैंक यू एक्सीलेंट बॉय ओरोग्राफिक, ओरोग्राफिक, अच्छा वो दूसरी दो की जरूरत नहीं आपको. है आपको चैप्टर से रिलेटेड एक ही है ओरोग्राफिक o r u कन्वेक्शनल रेनफॉल इक्वेटर भी होती है जहां पे क्या होता है जनरली व्हेन विंड्स आर हीटेड अप

वेरी गुड ड्यू टू एज अ थर्मल वेरिएशन टेम्परेचर वेरिएशन के कारण ओशन वाटर बॉडी दे आर डिस्प्लेसिंग फ्रॉम देयर पोजिशन देर आर टू ओशन करंट कोल्ड ओशन करंट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द पोल्स वॉर्म ओशन करंट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द इक्वेटर दीज ओशन करंट्स आर स्टार्ट टू मूव फ्रॉम द हाई टेम्परेचर टू वर्ड्सरेचर लो टेम्परेचर टू वर्ड्स अर टेम्परेचर जहां ये मर्ज करते हैं वहां साइक्लॉनिक रेनफॉल होती है फॉर एग्जाम्पल इंडिया के साउथ ईस्टर्न

ओरिजिनेट मॉनसून ओरिजिनेट कुछ कह रहे थे वेरी गुड थैंक यू मॉनसून अर्थ डिवाइडेड इंटू द सेवन प्रेशर बेल्ट सेवन प्रेशर बेल्ट शुक्र किसको हुआ किसको